बिसरो, ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। संडे का दिन हमें ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा,
और हम लकी ज्ञान सितारों की स्मृति दिलाता है। इस दिन विशेष अव्यक्त बाप दादा हमें व्यक्त से अव्यक्त बनाने के लिए विशेष महावाक्य उच्चारित करते हैं। इन महावाक्यों में, इस ज्ञान में वो ऊर्जा है जो आत्मा की चैतन्यता को जागृत कर देती है, जड़ता को समाप्त कर देती है। और इस नवीनता का आधार है बाबा का नवीन ज्ञान, बाबा की शक्ति, बाबा का प्यार, बाबा की शांति, जो प्रतिपल हम बाबा के साथ से, उनके श्रीमत के हाथ से महसूस करते हैं। आज की मुरली विशेष नववर्ष पर उच्चारित की गई है, परंतु ब्राह्मणों के लिए नवयुग आया कि आया, परंतु उससे पहले बाबा ने कलयुग में ही हमारे लिए संगम युग बना दिया। ऐसा युग जिसमें आत्मा है, परमात्मा है, परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा के गुण है, परमात्मा की शक्तियाँ हैं। ऐसा युग जिसमें हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति सब नई है। तो इस बात का अनुभव हम जितना जितना बाबा की याद में रहते हैं उतना हम करते रहते हैं। तभी हम सुनते हैं नव ऊर्जा, नव शक्ति, नई हिम्मत दिलाने वाली आज की विशेष बाबा की मुरली। आज है 18 फरवरी 2024। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं रिवाइज कोर्स के 31 दिसंबर 1998 की मुरली है। हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग, नव जीवन और नववर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नववर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं, चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे, चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना, शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। जब भी हम कोई भी संकल्प करते हैं और बाबा की याद में करते हैं तो बाबा की मदद हमने देखा है इतनी मिलती है कि ऐसा लगता है कि वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, उसे सिद्ध हम नहीं कर रहे हैं, जिसे बाबा ही करवा रहा है। तो बस हमें क्या करना होता है, दिल से, सच्चे दिल से संकल्प करना होता है। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, न खुद के प्रति न किसी अन्य आत्मा के प्रति। उनके प्रति भी मन में कई बारी भावनाएं होती हैं ना कि ये नहीं बदलेगा, नहीं, अपने प्रति भी शुभ भावना रखनी है, हिम्मत रखनी है और अन्य आत्माओं के प्रति भी।
क्योंकि यह नवयुग है ही, हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्वशक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्वपुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्वपुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है, असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। पक्का कर ले इस बात को, कोई भी चीज़ संगम युग पर असंभव नहीं है, बस हिम्मत का एक संकल्प रचना है, बाप दादा की मदद सदा है और हर चीज़ हुई पड़ी है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में है सफलता, क्या है? ब्राह्मणों की जन्मपत्री में है सफलता, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। हम सभी ईश्वरीय वर्षे के अधिकारी हैं, हमारी जन्मपत्री में सफलता लिखी हुई है। तो नए वर्ष में यह विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही, सब तरफ से, है ना? संकल्प में भी सफलता, वाणी में भी सफलता, कर्मों में भी सफलता, वृत्ति दृष्टि सब बात में सफलता ही सफलता। इस निश्चय से, रूहानी नशे से उड़ते चलो, ना? तो बाबा ने कहा अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। सब देखेंगे मेरे मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर खिंची हुई है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। सब अनुभव करेंगे हम सभी के मस्तक पर चमकता हुआ विजय का तिलक। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है, डबल विदेशियों को है। डबल विदेशी होशियार है ना, सबने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा, तिलक नजर आ रहा है। और भारतवासी तो है ही भाग्यवान, क्यों? भारत की धरनी ही भाग्यवान है। इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी, दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो, हिम्मत समाई हुई है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसे हो ना, तो पापा कहते हैं, पापा ने कहा ना ऐसे हो, तो सभी ने हाथ हिलाया। ऐसे से हम हाथ हिलाते हैं ना, तो सभी ने हाथ हिलाया।
हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं, अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। तो कभी ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना, विजयी है और सदा रहेगी। सब पक्के हैं, विजय है और सदा रहेगी। बहुत अच्छा, अभी फिर वहाँ जाकर ऐसा कमज़ोर समाचार नहीं लिखना कि दादियाँ, बाबा, माया आ गई। ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। यह रूहानी नशा इमर्ज करो। क्या नशा होना चाहिए? हम नहीं होंगे तो कौन होगा। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी यह विजयीपन का रूहानी नशा है। बीच बीच में चेक करो, जब काम कर रहे हैं तो ये विजयीपन का नशा है। कहीं आसपास की परिस्थिति को देखकर, लोगों को देखकर दिल शिकस्त तो नहीं हो जाते? पता नहीं होगा या नहीं होगा, डाउट तो नहीं हो जाता? इसलिए बीच बीच में चेक करो, ये विजयीपन का नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी क्या है? नशा है। और नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों एक दूसरे के ओतप्रोत हैं, दोनों का संबंध है। इसलिए अभी, क्योंकि उस समय 98 वर्ष चल रहा था, तो अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना तो अभूल हो जाएंगे। न भूल होगी न मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया, तो यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा ना। पिछला वर्ष 98 मुक्ति वर्ष के रूप में मनाया, और अब 99 बाप दादा ने कहा कि मेहनत मुक्त वर्ष मनाएंगे। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना। तो यह वर्ष मन में, संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। उस समय बाबा ने, देखो, हमें मेहनत मुक्त बनने के लिए कितनी प्रेरणाएं दी, तो अभी तो बन जाने चाहिए ना। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई हैं कि अब कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं, और रूह रिहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, सुनेंगे सभी, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि स्टॉप नहीं करते तो पिछला हमारे आज के आगे और हमारे भविष्य के आगे आता रहता है।
इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं फुल स्टॉप, बिंदी लगा दो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं, सभी वरदान स्वीकार करेंगे इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में, अमर भवा। अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए, भारत में भगवान आया तो भारत तो नंबर लेगा ना। नए वर्ष में क्या मनाते हैं, कैसे मनाते हैं नया वर्ष? एक तो गिफ्ट देते और दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, सबको हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स भी देते हैं, मिठाई खूब खाते खिलाते हैं, नाचते गाते भी बहुत है। तो आप सिर्फ 12 बजे के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास, सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। फिर 12 मास शुरू हो जाएंगे, तो हर मास, हर दिन, हर संकल्प में सबको दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना, दिल खुश मिठाई बांटने आती है, सभी होशियार हैं, तो दिल खुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, दिल खुश है हमारा, परंतु फिर क्या होता है, कोई क्या करता है, अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण, अगर नहीं भी स्वीकार करे, होता है ना, हम किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, ज्ञान देते हैं, गुण देते हैं, प्यार करते हैं, शांति देते हैं, तो वो स्वीकार ही नहीं करता है। तो आप दिल शिकस्त नहीं होना, दूसरा नहीं माने तो खुद नाराज नहीं हो जाना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया, निश्चिंत हो जाओ। यह नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन यह तो नाराज हो गया, कोई हर्जा नहीं, वह राज को नहीं जानता है ना, तो नाराज हो गया। आप तो राज को जानते हो ना, तो यह राज भी जान लो कि यह हिसाब किताब व समस्या के वश है, ये भी समझ जाओ। आप आज्ञाकारी बनो, हमें केवल बाबा की आज्ञा माननी है, सच्चे दिल से सेवा करनी है। अगर नाराज़ हो जाता है तो ये उसका हिसाब किताब है, उसकी नाराज़गी का कारण यही है कि वो ड्रामा के इस राज को नहीं जानता है, ठीक है ना। आज्ञाकारी बनना है ना, यहाँ तो हाँ बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप यहाँ देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो, बाबा स्टेज से देखते ना तो बहुत अच्छा हिलाते हो, खुश कर देते हो, कांध भी हिलाते हैं, हाथ भी हिलाते हैं, कांध भी हिलाते हैं और हाथ भी हिलाते हैं, लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया, जब कह दिया तो सुनो, जो भी हो, बाबा कितने प्यार से कहते हैं, जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है।
बाप ने जो वायदा किया है कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है। बाबा हमेशा यही कहते, जो हो जैसे हो मेरे हो और मुझे आप सबको लायक बनाकर ले जाना है, है ना? साथ में चलना है ना? साथ चलने के लिए तैयार हैं? सभी तैयार हैं? एवर रेडी हैं? अच्छा, एवर रेडी भी हैं, बहुत अच्छा। एवर हैप्पी भी हैं, पूछ रहे हैं बाबा। और जब माया आ जाएगी तो क्या होगा? एवर हैप्पी रहेंगे? फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, मुख से नहीं मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई। चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। क्या करना है? चिल्लाना नहीं है, माया है नीचे और हम उड़ जाएंगे बाबा के साथ। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ तो क्या होगा? माया देखती रहेगी, हम तो उड़ गए। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। खुशी में नाचना है, दिल खुश मिठाई बांटनी है। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए, ये सारा कार्य हमें हर रोज करना है, पूरे वर्ष करना है ना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना, दे सकते हैं। कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है सबके पास। तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना। फ्राक दिल बनना, बड़ा दिल होना चाहिए। किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो। किसको कोई गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वह कौन सी? शुभ भावना और शुभ कामना की ये सौगात दे सकते हैं। शुभ कामना करो कि यह मेरा सिकिलदा भाई या बहन। सिकिलदा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी, है ना? कब से बिछड़ा हुआ भाई है, 5000 वर्ष के बाद मिला है तो भावना बदल जाएगी ना। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, ऐसे शुभ भावना करो। इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वह लेते नहीं है, होता है ऐसे? बहुत होता है ना। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना, है ना? चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन? आप कौन हो? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो? आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, होता है ना ऐसे, उल्टा चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, तो उसका नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। बाबा पूछते हैं, है ना, पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। उसने नेगेटिव दिया तो क्या हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते? नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना शुभ कामना के गिफ्ट देंगे। इसके लिए बहुत पावर चाहिए। कोई हमें नेगेटिव दे
और हम उसको नेगेटिव वे में ले ही नहीं, हम उसको पॉजिटिव वे में ले, कोई बात नहीं, इसका भी कल्याण हो, इसमें भी कुछ बात होगी, कोई अकाउंट चुक तो हो रहा होगा, कोई बात नहीं, इसका भी कल्याण हो, बाबा इसको श्रीमत दे, है ना। उसके प्रति कोई भावना बदले ही नहीं, है ना। ऐसी स्थिति हो ना, तभी तो कहेंगे देवता ना, कोई हमारे साथ उल्टा करे तो हम भी उल्टा करें, कोई अच्छा करे तो अच्छा करे, तो मनुष्य आत्माएं भी करती हैं, कोई बुरा करे तो भी हम उसके साथ अच्छा करें, उसके लिए शुभ भावना रखें, और उसके उल्टे को भी हम दिल पर नहीं लगाएं, उसमें भी अपना कुछ कल्याण समझें, ये शायद ये हमारी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा है, है ना, हमारे धैर्यता की परीक्षा ले रहा है, तो उसको भी टीचर समझे। इसके लिए ज्ञान इमर्ज रूप में होना चाहिए और योग की शक्ति चाहिए। तो बाबा भी यही कहते हैं कि नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और यह पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, नोट करेंगे, जो ये विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। ये विश्व परिवर्तक का कार्य साकार रूप में लाना पड़ेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। पर उसके लिए ये विश्व परिवर्तक का कार्य हमें करना होगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें उसे परिवर्तन करना है। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा यह अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, नोट करेंगे सभी, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। संगम युग परिवर्तन करने का युग है और हमारा यही कर्तव्य है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तब ही भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा अपने, सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी, देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके राज्य में प्रत्येक आत्मा इतनी भरपूर होगी। अभी हम सूक्ष्म शक्तियां, सूक्ष्म गुण, ईश्वरीय ज्ञान दान देते हैं और वहां पर हमें देने की जरूरत नहीं होगी स्थूल रूप में, परंतु हमारी प्रजा इतनी भरपूर होगी जो देने की जरूरत ही नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तब ही भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। यह इस समय के दाता बनने का प्रालब्ध है। इसलिए हिसाब नहीं करना, इसने यह किया, इसने इतना बार किया, मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। काउंट नहीं करो उसने कितना दिया क्या दिया, मुझे देना है। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे, गिफ्ट दी, मिठाई भी खिलाई, है ना। अब और क्या ग्रीटिंग्स क्या देंगे, देखो किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से, मन से यही शब्द निकलता है। क्या निकलता है, कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं, क्या कहते हैं, मुबारक हो। उत्सव मनाते हो तो कहते हो, क्या कहते हैं, मुबारक हो।
जैसे जो भी आपके सामने आवे, तो मुख से ऐसे शब्द बोलो। संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हों तो जो भी आपसे मिलेगा, क्या वह हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोल बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले। हमेशा मन में सबके प्रति दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रत्न हो। कैसे? बोल अनमोल हो, रत्न हो, साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए, दो चीज़ें, एक संयम और एक स्नेह होना चाहिए, वह स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रत्न हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रत्न समान हो। हम खुद हीरे तुल्य हैं, तुम्हारे मुख से निकलने वाला हर शब्द कैसा होना चाहिए? रत्न जैसा। ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो, न साधारण हो न व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना, तो बाप दादा ने यह भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है, उसमें बीज छिप जाता है। वह ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं। होता है ना, कईयों की आदत होती है बहुत बड़ा चढ़ा के बातें बताएंगे, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझानी चाहते हैं उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज़्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, यह दोनों शब्द याद रखो। पक्का करेंगे शब्द, हर एक शब्द रत्न के समान हो और शॉर्ट हो, स्वीट हो। और कोई सुनाता है ना, तो उसको तो कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है। लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है। इसलिए क्या करना है, अपने खजानों का स्टॉक जमा करो। वाणी की एनर्जी वेस्ट नहीं करें, जमा करो। संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो। संगम युग जमा करने का युग है ना, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया? कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया? कितना वेस्ट किया, कितना बेस्ट किया, ये चेक करेंगे। गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया? गुण को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया? यह है जमा करना। ईश्वरीय सेवा में
अपने गुणों और शक्तियों को लगाना, सफल करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। करेंगे ऐसे आज से, है ना, अकाउंट तो रखना पड़ेगा ना। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना क्या करना है, नया वर्ष है ना, तो सब पूछते हैं क्या करना है। तो अब यह करना है, ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है और मेहनत को छोड़ना है, ये सब करना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना स्टॉक होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। बाप दादा मुक्ति वर्ष के रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं, बाप दादा को याद है, रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, यह सब हिसाब लेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यह घड़ी है विदाई और बधाई की, संगम है। पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी है। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है, इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है, इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पद्मा पद्म गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकंड सभी पावरफुल संकल्प से, अभी सभी करेंगे बिल्कुल मन में पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से, पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकंड सभी दृढ़ता सफलता है, इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। सभी स्थित हो जाएंगे जस्ट 1 सेकंड के लिए। दृढ़ता सफलता है, सब बातों को विदाई दे देंगे, पुरानी बातें, पुरानी दुनिया, पुरानी वस्तुएं, पुराने संबंध।
अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भावा। मास्टर रहम दिल कैसे बनेंगे? जब टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान है, विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसको टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बना कर देते हैं तो चलने लगता है, बैसाखी देते हैं ना तो चलने लगता है, ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो। क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा, टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी हैं। तो मास्टर रहम दिल बनो। मास्टर रहम दिल बनेंगे, उन आत्माओं को हिम्मत की टांग देंगे, है ना? स्लोगन है, निर्माण बनो कोमल नहीं। निर्माण बनो लेकिन कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। तो आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो सभी ब्रह्मावत संगठित रूप से 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो। यही अभ्यास करेंगे आज, लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो, ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की सकाश देने की सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही
शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते, सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। शिव से बातें करते संगम पर ही ब्राह्मण बनते सम्मुख शिव से बातें करते मिलन मिला इसकी निशानी मिलन मिला इसकी निशानी ये समय है बड़ा वरदानी संगम की नारायण की है कहानी सत्य नारायण की है कहानी ये समय है बड़ा वरदानी समय है बड़ा वरदानी संगम की बेला है सुहानी ये समय है बड़ा वरदानी संगम की बेला है सुहानी ये समय है बड़ा वरदानी।